और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में एक अलग ही माहौल आजकल देखने को मिल रहा है। हर तरफ इसी वेडिंग की चर्चाएं चल रही हैं। बॉलीवुड से लेकर खेल और बिजनेस जगत की नहीं बल्कि कई विदेशी हस्तियां भी इसी प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल हुई हैं। लेकिन इस दौरान सबसे खास रही पापा मुकेश अंबानी और दूल्हे राजा अनंत अंबानी की इमोशनल स्पीच, वो झलकियां अभी आपको दिखाते हैं। I would like to thank each and every one of you present here. I know everyone has made it to Jamnagar to make me and Radhika feel special. We are all honored and humbled to have all of you here. I am sorry if we have caused any inconvenience to anyone. Please do forgive us, both the families. So, बेटे अनंत अंबानी बोल रहे हैं। सामने मेहमानों के बीच बैठे पिता मुकेश अंबानी की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ये खुशी के आंसू हैं, ये भावनाओं का खामोश बयान है। बेटे के दिल से निकलने वाले शब्द पिता के दिल को छूते चले गए। My father and mother have always stood by me. अनंत की जिंदगी के अहम लम्हों को पिता मुकेश अंबानी ने जेहन में ऐसे सजोया, दिल में जज्बातों का ज्वार उमड़ पड़ा और आंखों से झर झर आंसू बरस पड़े। As many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I have also experienced the pain of thorns. I have faced many health crises since childhood. But my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me. अनंत अंबानी के इस इमोशनल स्पीच को वहां मौजूद सभी लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना। अनंत अंबानी ने अपने सभी मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद बोला, वहीं मां नीता अंबानी पर खूब प्यार बरसाया। And my mother has gone all out for the last 4 months. She's worked for I think 18-19 hours a day, and I'm extremely grateful to mama and thank you so much. प्री-वेडिंग के दूसरे दिन परिवार और फिल्म जगत से आए दोस्त संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके लिए पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ भी परफॉर्मेंस देंगे, साथ ही साथ पूरी दुनिया के मशहूर मैजिशियन डेविड ब्लेन का एक कार्यक्रम भी है। शुक्रवार को प्री-वेडिंग फंक्शन की शुरुआत एन इवनिंग इन एवरलैंड थीम के साथ हुई। ये कॉकटेल पार्टी थी जिसमें बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी के साथ देश और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। इस दौरान मुकेश अंबानी ने अपनी वेलकम स्पीच से हर किसी को इमोशनल कर लिया। आर एस्टीम्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली, नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इन द इंडियन ट्रेडिशन वी रिस्पेक्टफुली डिस्क्राइब ऑल आवर गेस्ट्स एज अतिथिज। अतिथि देवो भव, इट मीन्स गेस्ट आर लाइक गॉड्स। वेन आई डिड नमस्ते टू यू, इट मेंट दैट द डिवाइन इन मी इज प्लीज टू एक्नॉलेज द डिवाइन इन यू। आप सब ने इस शादी के माहौल को मंगलमय बना दिया है। जामनगर में चल रहे जश्न के बीच अंबानी परिवार की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। एक फ्रेम में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और बीच में अनंत अंबानी देख रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर में मुकेश अंबानी बेटे अनंत अंबानी को दुलार करते दिखे, जबकि तीसरी तस्वीर में मुकेश अंबानी राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद देते दिखे। मुकेश अंबानी ने दोनों को जिंदगी की नई पारी की शुभकामनाएं देते हुए अपने पिता धीरू भाई अंबानी को भी याद किया। टुडे माई फादर धीरू भाई इज ऑल्सो शावरिंग His profuse blessings from high up in the heavens. I'm sure he's doubly happy because we are celebrating this joyous day in the life of his favorite grandson Anant in Jamnagar. मुकेश अंबानी ने बताया कि जामनगर उनके और उनके पिता के लिए कर्मभूमि बन गया है। वहीं अनंत अंबानी ने भी जामनगर से जुड़े अपने जज्बातों को सभी मेहमानों के सामने शेयर किया। I would like to
take blessings from my grandmom, Kokila Mummy. So, as my mom, I think my mom said it, but Kokila Mummy comes from Jamnagar. And Kokila Mummy has been a big inspiration. My grandmother has been a big inspiration to me. I always take motivation. My grandfather, wherever he is, he'll be blessing me. My nani has taught me how to be religious. She's a Nagar Brahmin. Very proudly, she tells me that I'm a Nagar Brahmin. So she teaches me everything about from... I've stayed mostly with my nani when I was young. So she taught me everything. गुजरात के जिस जामनगर में अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी हो रही है उस जामनगर से अंबानी परिवार का गहरा नाता रहा है। अनंत और राधिका की शादी जुलाई में होने वाली है। चार महीने पहले इस शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। जामनगर में जश्न का माहौल है। शाही शादी में शाही मेहमानों की महफिल सजी है।